दिल्ली की सड़कों पर दिन दहाड़े चल रहा है देह व्यापार। जी हाँ, आज हमारे समाज में जहाँ देह व्यापार चोरी छुपे हुआ करता था, वहीं देश की राजधानी दिल्ली का सूरत हाल बहुत ही दयनीय है, क्योंकि यहाँ सेक्स रैकेट अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। क्या चौक चौराहे, क्या गलियां, आपको हर जगह सेक्स वर्कर दिन में ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में चल रहे इस देह व्यापार को देख आप भी असमंजस में पड़ जाएंगे कि ये दिल्ली है या बैंकॉक। और इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि इस देह व्यापार में सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों ने भी छलांग लगा दी है। देह व्यापार के लिए इन पुरुषों को जिगोलों के नाम से जाना जाता है, जिनके मुख्य ग्राहक वो हैं जो महिलाएं अपने पति से असंतुष्ट होती हैं या जिनके पति विदेश या फिर घर से ज्यादा समय तक बाहर रहते हैं। बहरहाल आजकल दिल्ली में जिगोलों की डिमांड और कमाई दोनों ही ज्यादा है, क्योंकि ये लोग ज्यादातर अपनी सर्विस डोर स्टेप तक देते हैं। समाज में लोक लाज को कायम रखने के लिए महिलाएं इन जिगोलों को ही अपना एक सही रास्ता मानती हैं। और जब बात की जाए पेज थ्री पार्टी की, तो यहां भी जिगोलों की डिमांड चरम सीमा तक पहुंच जाती है। दिल्ली के कई पॉश इलाकों में मर्दों के जिस्म की मंडी लगने लगी है। इसमें कॉलेज स्टूडेंट अपनी लाइफ मजे से गुजारने के लिए रात को काम करना पसंद कर रहे हैं। यहाँ जो जितना अच्छा काम करेगा उसकी कमाई और प्रमोशन उतना ही ज्यादा और जल्दी होगा। ये काम एक जिगोलो क्लब द्वारा किया जाता है। जिगोलो मार्केट दिन में नहीं बल्कि रात को चलती है, जिसे जिगोलो मार्केट या मेल प्रोस्टिट्यूशन मार्केट भी कहा जाता है। और इसमें काम करने वाले मर्द जिगोलो कहलाते हैं। जिगोलो यानी मेल स्कॉर्ट्स या फिर कॉल बॉय। युवा पीढ़ी के लिए दिल्ली में एक जिगोलो मार्केट है, जहां वह काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। बहरहाल मर्दों की यह मंडी दिल्ली के पॉश एरिए और साउथ एक्सटेंशन, जेएनयू रोड, आईएएनएस, अंसल प्लाजा और कनॉट प्लेस, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर जैसे प्रमुख बाजारों की मुख्य सड़कों पर लगता है। लड़के यहाँ आकर खड़े हो जाते हैं और गाड़ियाँ रुकती हैं। जिगोलो बैठता है, सौदा तय होते ही गाड़ी चल देती है। ऐसे में इन बच्चों का जो अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं, उनका क्या होगा? आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।